नमस्कार किसान भाइयों, आज मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में बताने वाला हूं। आज हमारे साथ पोल्ट्री एक्सपर्ट डॉक्टर रोहित जैन जी साथ में हैं, जो आज हमें बताएंगे कि हम पोल्ट्री मशीन में क्या क्या सावधानियां रखें जिसके कारण हमारा फीड बहुत ही अच्छा हो। तो कृपया रोहित जैन जी को आज पूरे वीडियो में हमने साथ में लेकर आए हैं। डॉक्टर साहब हैं, ये ब्रॉयलर पोल्ट्री एक्सपर्ट हैं, फीड में बहुत ही एक्सपर्ट हैं। आज हम उनसे जानते हैं कि पोल्ट्री फीड में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है और कैसे मिक्सिंग करना है और कैसे हमें ग्राइंडर में फीड बनाना है। तो सुनिए रोहित जैन जी को। नमस्कार किसान भाइयों। हेलो गाइस, आज सबसे पहले तो मैं आज अभिषेक के साथ में हूँ और आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक लाया हूँ और उसके आप इसको एंड तक ज़रूर सुने और देखें, क्योंकि ये आपके बहुत ही काम आ सकती है। जो भी पोल्ट्री फॉर्म से रिलेटेड वर्क करते हैं या काम करते हैं, उनके लिए ये बहुत ही ज़रूरी वीडियो है। और प्लीज़ गाइस, सब लोग को आप शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज का अपना जो टॉपिक है वो है फीड मशीन। फीड मशीन के लिए क्या क्या बनता है, क्या क्या लगता है, क्या क्या सामग्री अपन को, क्या क्या मशीनरी, क्या क्या अपन को जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं वो इस वीडियो में बताई गई हैं। सो प्लीज़ गाइस, इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और एंड तक ज़रूर देखें। फीड बनाने के लिए मशीन, फीड बनाने के लिए आपको ग्राइंडर और फीड मिक्सर चाहिए। और आपको एक दिन में 60 बैग से अधिक फीड बनाते हैं तो आपको एक मेडिसिन मिक्सर भी होना ज़रूरी है आपके पास, क्योंकि इससे ही आपका प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सकता है। दूसरा टॉपिक आता है ग्राइंडर। इसमें रॉ मटेरियल को तोड़ा जाता है, मक्का और सोया को ग्राइंड किया जाता है। MBM या राइस पॉलिश को ग्राइंड करना होता है तो मक्का सोया के साथ मिला के ग्राइंड करें। उससे क्या है कि अगर आप मक्के को ग्राइंड करेंगे तो जो भी आप मटेरियल बना रहे हैं, मसाला बना रहे हैं, अपने जिस दाने को आप बना रहे हो, वो दाने की क्वालिटी बहुत ही हाई क्वालिटी का रहेगा और अच्छी क्वालिटी का रहेगा। इसमें बहुत सारे टॉपिक रहते हैं, कम से कम 20 टॉपिक रहते हैं। मैं आपको कम से कम 10 टॉपिक इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रहा हूं, तो प्लीज़ आप ज़रूर एंड तक ज़रूर देखें और सुने। पहला टॉपिक हो गया कि ग्राइंडर को ऊपर से रॉ मटेरियल में डाला जाता है। दूसरा टॉपिक हो गया, ये सिंपल टॉपिक मैं नहीं बता रहा हूँ, बहुत अच्छे टॉपिक हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। रॉ मटेरियल ग्राइंडर के अंदर जाए उससे पहले उसमें एक ओपन क्लोज़र लगा होता है, जिससे आप रॉ मटेरियल को कितना ग्राइंड किया जाए उसको नियंत्रण कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। इस टॉपिक में इसमें कंट्रोलिंग में भी बता रहा हूँ। दूसरा टॉपिक अपन लेते हैं, अधिक रॉ मटेरियल एक बार में ग्राइंड करने के अंदर जाने से ग्राइंडर ब्लॉक हो जाता है, जिससे ग्राइंडर का मोटर जल सकता है और इंजन से चल रहा हो तो इंजन में अधिक लोड हो सकता है। इसमें अगर आप ज़्यादा मटेरियल डाल रहे हो आप, तो आपका मशीन को जल सकता है। अधिक लोड अगर आप देते हैं तो जो लोडर की कैपेसिटी है वो आपकी वीक हो जाएगी, जिससे आपका लोडर जो है बंद हो जाएगा। ग्राइंडर के अंदर ब्लेडर या हैमर लगा हो तो रॉ मटेरियल को तोड़ देता है। अंदर ग्राइंडर के अंदर या जैसे भी उसको मशीन को जो पिसता है या जो चलता है उसके अंदर अगर ग्राइंडर या कुछ भी ऐसी रॉड और टाइप का जो नोमा जो होता है वो लगा रहता है, वो टूट जाता है ओवरलोड से। ग्राइंडर के नीचे जाली लगी होती है जिससे रॉ मटेरियल टूट के बाहर निकलता है। उसमें आपको ये भी सावधानी से रखना है, देखना है कि आपका कुछ भी टूट फूट ना हो, हर काम सावधानी से हो। प्री स्टार्ट, स्टार्टर और फिनिशिंग तीनों की अलग अलग जाली होती है, ये भी आपको देखना है, क्योंकि ये तो वीडियो में मैं आपको बोल रहा हूँ, लेकिन आपको जब आप ये काम कर रहे हो तो आपको बहुत केयरफुली देखना है। प्री स्टार्टर जाली से कम माल निकलता है और फिनिशिंग से अधिक माल निकलता है। कंपनी से जहां आप माल ग्राइंड ख़रीदते हैं वो आपको फिनिशिंग कैपेसिटी बताते हैं कि फिनिशिंग कितना निकलता है। ये आप अगर जिस कंपनी से आप परचेज कर रहे हो, ले रहे हो, ख़रीद रहे हो, तो वो आपको कंपनी बताएगी कि कितनी फिनिशिंग है, कितनी कैपेसिटी, ये कंपनी का अंडर हैंड रहता है। मक्का और सोया डॉस साथ में मिला के ग्राइंड करने में, ग्राइंडिंग में थोड़ा कम टाइम लगता है। अगर आप एक ये सोया और डॉस के साथ मिला के अगर आप करते हैं तो उसमें आपको कम समय लगेगा, जल्दी मिक्स होगा। पोल्ट्री में दो तरह के ग्राइंड अधिक इस्तेमाल होता है, एक होता पहले हैमर ग्राइंडर, दूसरा होता है ब्लेड ग्राइंडर। ये आपको मार्केट में ब्लेडर ग्राइंडर और हैमर ग्राइंडर दोनों मार्केट में अवेलेबल हैं, आप कहीं से भी जाके परचेज कर सकते हैं। और इसमें आता है अधिक से अधिक 500 से 7000 वर्ड्स की फार्मिंग करना है तो आपके लिए एक छोटा ग्राइंडर अच्छा होगा, जो कि आपको 15 से 17000 में के बीच में मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा। आप ये किसी भी कंपनी का खरीद सकते हैं।
7000 बट से अधिक की अगर फार्मिंग है और बड़ा ग्राइंडर ले सकते हैं जो कि आपको 30 से 35 हज़ार का आएगा, वो भी आप मार्केट में अवेलेबल है, किसी भी कंपनी में आप जाके खरीद सकते हो, ले सकते हैं। ग्राइंडर को आप दोनों मोटर से भी चला सकते हैं, इंजन से भी चला सकते हैं, बहुत ही केयरफुली ही चलाना है आपको। फार्मों के बीच में एक गलत जानकारी है कि ग्राइंडर फीड को मिक्स कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि जो फार्मर अभी बिना मिक्सर के फीड बना रहे हैं या जो भी पहले बाहर के फीड अच्छे से मिक्स करते हैं फिर ग्राइंडर में डालते हैं, जब तक वो अच्छे से बाहर मिक्स करके ग्राइंडर में फीड डालेंगे तब उनको ठीक ठाक रिजल्ट मिलेगा। लेकिन किसी दिन अगर सही तरीके से बाहर से फीड मिक्स नहीं किया गया तो रिज़ल्ट आपके ख़राब आएंगे, आपका माल जो है ख़राब हो सकता है। तो ये सावधानी पूर्वक आपको करना है। जिनको लगता है ग्राइंडर फीड मिक्स कर देता है, वो एक कम से कम मक्का सोया और जो भी रॉ मटेरियल फीड में इस्तेमाल कर रहे हैं अभी तक जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं वो सारा सामान बिना मिलाए ग्राइंडर में डाल दें और वो माल को ग्राइंडर से होने के बाद निकलेगा तो ऐसा लगेगा कि फीड मिक्स हो गया है, लेकिन वो फीड मिक्स सही तरीके से मिक्स नहीं हुआ होता है। मैं आपको बता दूं, मेरा ये एक्सपीरियंस है, अनुभव है। ये कम से कम करने में 20 केजी तक का माल लीजिए, अधिक रॉ मटेरियल बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें अगर आप अधिक से अधिक मिला देंगे तो आपका माल ख़राब हो सकता है। तो बिल्कुल आपको मिनिमम कैपेसिटी ही और उसको वेट केजी में ही डालें, बिल्कुल सावधानी से डालें आप। फीड मिक्सर जो होता है, फीड के बट्स कैसे फार्मिंग दें इस बात पर निर्भर करता है कि फीड की मिक्सिंग कैसे हुई है। मिक्सर भी कभी भी 500 केजी से कम कैपेसिटी वाला ना हो। आपको इसमें कैपेसिटी देखना है कि आपको कम से कम 500 केजी वाला ही कैपेसिटर लेना है, कम बिल्कुल कम नहीं लेना, कम से कम 500 केजी वाला कैपेसिटर लेना है। या मिक्सर के ऊपर जो ग्राइंडर सेट करना रहता है उसके बारे में थोड़ा बहुत मैं जानकारी आपसे शेयर कर रहा हूँ। कुछ कंपनियाँ मिक्सर के ऊपर ग्राइंडर लगाती हैं और ग्राइंडर तक रॉ मटेरियल पहुँचाने के लिए एलिवेटर लगाती हैं। यह सबसे ख़राब तरीका है क्योंकि एलिवेटर से मोटर ख़राब हो गया तो आपको बहुत दिक्कत आ जाएगी, और आपको मिक्सर के ऊपर चढ़ गया तो ग्राइंडर में रॉ मटेरियल डालना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपको एक और दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, ग्राइंडर का कुछ ना कुछ हिलना, वाइब्रेशन। ग्राइंडर के लिए मिक्सर की वेल्डिंग खुल सकती है। बाकी आप खुद सावधानी से काम करें और सोच समझ के काम करें कि आपको कैसे ग्राइंडर को चलाना है। अगर ग्राइंडर मिक्सर के ऊपर सेट हो गया तो आपको कभी भी दिक्कत आ सकती है, बिल्कुल सावधानी से काम करना है। और मिक्सर के कुछ फीचर्स मैं आपको बता दे रहा हूँ, कुछ प्रॉब्लम्स और कुछ सावधानियाँ मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। सारे रॉ मटेरियल को पहले मिक्सर में डालना है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आ गया, अगर इसमें सारा रॉ मटेरियल डालने के बाद आपको मेडिसिन भी डालना पड़ेगी, जो भी आप यूज़ कर रहे हो मेडिसिन वो आपको इसमें डालना है। तीसरा पॉइंट आएगा, रॉ मटेरियल डालने के बाद कंस्टेंट भी डालना है। मेडिसिन या कंस्टेंट डालने से कम 1 मिनट बाद आपको ऑयल डालना है। ऑयल डालने के बाद 10 से 15 मिनट मिक्सिंग होने देना है। 10 से 12 मिनट बाद आपको फीड निकाल लेना है। बहुत सारी चीज़ें हैं, आप ये ज़रूर ध्यान से सुने। यदि मिक्सर 500 केजी से 1.5 किलो तक अगर कैपेसिटी के अंदर आता है, 500 केजी का मिक्सर 40-50 हज़ार का मिलता है। अगर आपको ये 500 केजी मिक्सर है तो इसमें कम से कम 300 केजी मटेरियल डालना होगा, तभी सही तरीके से मिक्सिंग होगी। इससे आप ग्राइंडर के साथ ग्राइंड किया हुआ रॉ मटेरियल डायरेक्ट मिक्स करके डाल सकते हैं, क्योंकि इस मिक्सर के का मुंह नीचे तरफ होता है और यह मिक्सर हॉरिजॉन्टल मिक्सर के रूप में सस्ता आता है। लेकिन इसमें मिक्सिंग और मिक्सर की सफाई करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि वो उसका मुंह नीचे तरफ रहता है। वर्टिकल मिक्सर से फूड मिक्सिंग कैसे करें, इसके भी कुछ पॉइंट्स मैं शेयर कर रहा हूँ। आपका सारा रॉ मटेरियल तो ग्राइंड होने के साथ ही मिक्स किया चला जाएगा, जो भी आप रॉ मटेरियल कर रहे हैं वो ग्राइंडर के साथ ही मिक्स होगा। इसके बाद आपको उसका ओपनर खोल के फीड करके होपर में गिराएंगे, जो भी आपका कोपर होगा या सामान होगा आपको उसमें गिराना है, और होपर से फीड वापस मिक्सर में चला जाएगा। जब आप फीड होपर में से मिक्सर में जा रहा होगा तो उस टाइम में आपको धीरे धीरे मेडिसिन या कंस्टेंट होपर में डालना है। पूरा मेडिसिन या कंस्टेंट डालने के लिए आपको होपर ऑयल में डालना ज़रूरी है। ऑयल डालने के बाद 20 मिनट में आपको फीड मिक्स होने दें। पूरा टाइम हो जाने के बाद मिक्सर से फीड निकाल लेना है।